किसी कादियानी के साथ कारोबार करना या खाना खाना जायज़ है। भाई कारोबार तो यहूदियों से भी जायज़ है तो कादियानियों से भी जायज़ है, लेकिन बेहतर यही होता है कि बचे। कारोबार में आदमी करीब होता है, और वो बड़े ज़ालिम लोग हैं, बड़े तरीके से मेरे बंदे को फंसा देते हैं, दौलत से भी, औरत से भी, और मामलात में बस। इसीलिए दूर रहें तो ज़्यादा दें। एक है जायज़ होना, जायज़ तो सारी दुनिया का कारोबार यहूदियों से नहीं हो रहा, ये जितने बैंक हैं किसके हैं? अगर नींद आ जाए और टेक लगा के बैठा हो तो वजू टूट जाता है। ऐसे तशियों के साथ मिलके कुर्बानी भी ना करें। हशर का मैदान जो है वो शाम में होगा। नमाज पढ़ते हुए नज़र सजदे की जगह पे रखें। मेरा बीवी मेरे निकाह में रहकर घूमे गया, उस वक्त उसके बाप ने मिलकर उसकी इजाज़त के बगैर दूसरे आदमी के साथ शादी करा दी। वो शादी नहीं है, वो जिना है, हराम है। जब तक पहला खावत तलाक ना दे दूसरी शादी नहीं हो सकती। हरम में हर नमाज के बाद जनाजा होता है। अगर एक जनाजा हो या ज़्यादा बंदों, वो भी एक ही दुआ काफ़ी है, अल्लाहुम्मा इग़फिर लहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना, ये सब के लिए है। जुमा की दूसरी अज़ान हज़रत उस्मान के ज़माने में शुरू हुई, और हज़रत उस्मान का फरमान जो है वो सुन्नत है, जैसे हुज़ूर का फरमान सुन्नत है, अलैकुम सुन्नती व सुन्नतुल खुलफा अर्राशिदीन। फिर जब हज़रत उस्मान ने ये हुक्म दिया, अजान जारी हुई, लाखों सहाबा थे, किसी ने एतराज़ भी नहीं किया, तो हुजूर खलीफा राशिद की सुन्नत भी है और इजमाए सहाबा भी है। हमारी जॉइंट फैमिली है, हमारे भाई को बच्चे नहीं हैं, उनको हम अपना बच्चा दे सकते हैं? बच्चा तो दे सकते हो, लेकिन रहेगा अपने बाप का, उसके नाम के साथ वल्दियत जो है उसके असली बाप की लिखी जाएगी, और वारिस भी वो अपने बाप का होगा, उनका वारिस नहीं होगा। क्या बेटा अपनी बूढ़ी माँ के पांव दबा सकता है? हाँ दबा सकता है। आंखों की रोशनी चली गई है बच्ची की, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। बहरहाल ये डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, लेकिन अल्लाह कादिर हैं कि अल्लाह उसकी नज़र को बहाल कर दे। और वैसे उलमा कहते हैं कि कुरान में जो आयत है ना, फकशफना अनका गिफा आका फबसर कल यौम हदीद, इज़हबू बे कमीसी हाजा फअल्कूहु अला वजह अभी याद बसीरा, ये आयतें पढ़ के दम करते रहें तो अल्लाह कादिर हैं शिफा दे दें। औरत को मस्जिद हराम में नमाज जनाजा पढ़ना है, बाकी नमाजें हो जाती हैं, सिर्फ जनाजे के वक्त मसला पूछना है। फर्ज पढ़ती है, जनाजे में बैठी रहेगी? ये अजीब मसला है, बिल्कुल पढ़ सकती है। मुशरिक की माफ़ी हो सकती है, हाँ तौबा कर ले तो माफ़ी हो सकती है। मरने से पहले शिर्क से तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़ कर देते हैं।